कर लो चांद मुट्ठी में। जी हाँ, पूरा भारत एक साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से यही कह रहा है। 23 अगस्त शाम 6:04, ये वो टाइम तय किया गया था जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। जाहिर सी बात है, हर किसी की धड़कनें बड़ी हुई थी, लेकिन इसके लिए 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे वजह क्या है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान वाला। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने बताया था कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रत्ती भर गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी, और तैयारी इसलिए भी तगड़ी की गई थी क्योंकि पहले चंद्रयान 2 विफल हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी कि चंद्रयान 3 में बदलाव के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का सपना साकार होगा, और इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चलते हुए चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। 23 अगस्त की तारीख भी लैंडिंग के लिए बहुत ही सोच समझ कर तय की गई थी। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता जब वहाँ रात होती तो वह काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीजों की गणना पहले ही कर चुका था। इसरो के मुताबिक चांद पर रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही थी, इसलिए 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध होनी शुरू हुई। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम दे पाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का क्या फायदा है, और चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत विश्व चैंपियन कैसे बन जाएगा? 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो नया इतिहास रच चुका है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? अब चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी खोज पाएगा भारत? दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तक नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसियां चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी हैं। लेकिन ये कैसे होगा, सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया है, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझा नहीं पाया। भले ही भारत का पहला चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।